नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह और बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। भाद्र शुक्ल चतुर्थी यानी गणेश चतुर्थी इस साल 2 सितंबर को मनाई जा रही है। इस दिन घर में मंगल काम और सुख के लिए लोग अपने घरों में मंगल मूर्ति गणेश की प्रतिमाएं स्थापित करते हैं और नियम निष्ठा पूर्वक 10 दिनों तक इनकी पूजा करते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार गणेश जी यूं तो हर रूप में मंगलकारी और विघ्न का नाश करने वाले हैं, लेकिन अपनी चाहत के अनुसार गणेश की प्रतिमा या तस्वीर यदि आप अपने घर में लाएंगे तो आपकी मनोकामना जल्द पूरी होगी। गणेश जी की प्रतिमा को घर में लगाते समय यह ध्यान रखें कि आप गणेश जी की प्रतिमा को अपने घर की किस दिशा में विराजमान कर रहे हैं। बता दें कि जब भी आप गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर को अपने घर में लेकर आएं, तो ध्यान रखें कि गणेश जी की सूंड बाएं हाथ की ओर घूमी हुई हो। ऐसी मान्यता है कि दाएं हाथ की ओर मुड़ी हुई सूंड वाले गणेश जी की प्रतिमा की पूजा से मनोकामना सिद्ध होने में देरी लगती है, क्योंकि इस तरह की सूंड वाले गणेश जी देर से प्रसन्न होते हैं। साथ ही ध्यान रहे कि गणेश जी के हाथों में उनका एक दंत, अंकुश और मोदक अवश्य होना चाहिए। वहीं गणेश जी का एक हाथ वरदान की मुद्रा में हो और साथ में उनका वाहक मूषक भी होना चाहिए। जो लोग संतान सुख की कामना रखते हैं, उन्हें अपने घर में बाल गणेश की प्रतिमा या तस्वीर लानी चाहिए। नियमित इसकी पूजा से संतान के मामले में आने वाली विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। घर में आनंद, उत्साह और उन्नति के लिए गणेश जी की नृत्य वाली मुद्रा अपने घर पर लाएं। इससे घर में धन और आनंद की वृद्धि होती है। गणेश जी आसन पर विराजमान हो या लेटी हुई मुद्रा में हो, तो ऐसी प्रतिमा को घर में लाना शुभ होता है। इससे घर में सुख और आनंद बना रहता है। बता दें कि अपने घर में गणेश जी की स्थापना करते वक्त घर के ब्रह्म स्थान केंद्र में पूर्व दिशा में एवं ईशान कोण में ही गणेश जी को विराजमान करें। ऐसा कहा जाता है कि इन दिशाओं में गणेश जी को विराजमान करना शुभ एवं मंगलकारी होता है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि गणेश जी की सूंड उत्तर दिशा की ओर हो। बता दें कि जहाँ पे भी आप गणेश जी को विराजमान कर रहे हैं, वहाँ कोई और गणेश जी की प्रतिमा ना हो। अगर आमने सामने गणेश जी की प्रतिमा होगी तो ये मंगलकारी होने के बजाय आपके लिए नुकसानदायी होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।